तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं यार, ये क्या बातें कर रहा हूं, ये गलत बात है भाई, ऐसे एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। कपिल ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्रोवर्सी? तुम्हारे प्रोडक्शन के आदमी तुमने मेरा स्क्रिप्ट चेंज किया, मैंने तुमको पूछा था कि भाई ये स्क्रिप्ट ही मैं अपने डायलॉग पर मेरे को जो बोला गया मैंने वो और बोला एज एन एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। फोन कर रहा था, फोन किया मैंने, मैंने ट्विटर पे सबको मालूम है, मैंने ट्वीट किया रिप्लाई देना चाहिए। अमान खान ने तुमको गाली दिया, तुमको रिप्लाई किया, चलो साइड 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 प्लीज चार महीने पहले शुरू हुआ था, टाइप्स होते हैं किसी फिल्म का रिलीज है, ये बोला गया हमारे पास बैंक नहीं है, तुम रातों रात 2 बजे मुझे शूट पे बुलाया, मैं 2 बजे आया, हम लोग वेट करते हैं 2 बजे, मुझे तो नहीं बुलाया मेरे भाई, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सुने आएगा आपका एपिसोड तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। नहीं वैसा नहीं हूँ मैं, तुम बोलो ना, तुमने क्या बोला, तू गैग, तेरी गैग आएगी, तेरी गैग, तो गैग में मैं भी तो जान अल्लाह ने तुमको नवाजा है, रिस्पेक्ट करो यार, एक नंबर करो कि रिस्पेक्ट करो भाई, रिस्पेक्ट करो, चलो चलो चलिए कपिल जी, कपिल जी, कपिल जी, हम बात कर रहे हैं, कपिल भाई दो क्वेश्चन है मेरे खाली, ऐसा मत कर भाई, क्या कर रहे भाई, जा भाई कपिल के पास जाओ, नहीं सी देखो, गांधी जी भी नाराज थे ना, भगत सिंह भी नाराज थे, तो अंग्रेजों को भगाया उन्होंने। आदमी नाराज कब होता है, जब उसको तकलीफ होती है, कुछ उसका राइट्स नहीं मिलता है, उसका हक नहीं मिलता है, तो उसको तकलीफ होती है। कपिल मेरे हिसाब से एक ऐसे एक्टर है जो अभी अभी पनपे है, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया जानती है वो भी, और उनकी जो सक्सेस है उसमें हम खुश हैं यार, अल्लाह उनको और दे, लेकिन उनको हमारे जैसे एक्टरों की फीलिंग्स को समझना चाहिए, क्योंकि हमारी फीलिंग्स होती है। अगर हमको सेलिब्रिटी गेस्ट बोल के बुलाया है और फिर हमको बोलेंगे गैग है, दिस इज़ नॉट फेयर, ये K9 प्रोडक्शन है। आज अगर आपके हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इट्स ओके कपिल, जनता के हिसाब से मैं हूँ, और फैंस और जनता ही लोगों को बनाती है, मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। आज मैंने आपने कपिल ने 1 साल हुआ है कपिल को ये सक्सेस देखे हुए, साथ साथ में मेरा भी एक शो चलाया बिग बॉस, जिसमें मैंने लोगों को बहुत इंटरटेन किया है, मीडिया को भी किया है, सबको किया है, तो मैं भी एक एक्टर हूँ जिसने अपना राइट्स मांगा है, और कपिल को इसीलिए मैं वो पूछ रहा था, और उसने कहा कि
अगर तेरे साथ ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप मेरा गीग मत दिखाइए। मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चाहता था कि अगर आपके 10 बिलियन फैंस हैं, मेरे 3 मिलियन होंगे, तो वो 13 मिलियन लोग ये देख के बहुत खुश होंगे कि एक नंबर मानस और बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि लोगों को मेरी भी कॉमेडी और मेरी टाइमिंग पसंद है, उस हिसाब से कपिल भी एक नंबर वन कॉमेडियन ऐसा लोग बोलते हैं। वैसा मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि रेस तब तक जारी रहती है तब तक इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे किसी का एक नंबर नहीं होता है, इसीलिए मैंने जनता को एक नंबर कहा है। जनता बनाती है सबको एक नंबर, तो वो कब किसको थर्सडे नाइट को बना देती है वो जनता डिसाइड करती है। तो मेरे हिसाब से मैंने यही कहा कि वो 13 बिलियन लोगों को कपिल मज़ा आएगा, पर इनके हिसाब से एनीवे